एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। मैं इस समय खड़ा हूँ धर्मनगरी हरिद्वार में और लोगों से पूछते हैं 2020 में कौन सी चीजें जो उनके आजाद रहेंगी और कौन सी चीजें ऐसी वो भुलाना चाहेंगे और बात करते हैं लोगों से उनके क्या राय कि उनका क्या मानना है। मैडम आपका क्या कहना है कि 2020 में कौन सी चीजें जो आपकी आजाद रहेंगी और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप भूलना चाहती हैं? देखिए अगर मैं भूलने वाली बात कहूँ तो हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं और वहाँ पर हम एक समाज में एक परिवार की तरह रहते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा हमने इस चीज़ में यहाँ पर लॉस जो हुआ है कि हमारी भी आपस में सामाजिक दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक इस पूरे कोरोना काल में एक अपने स्वजनों को खोने का डर जो आपके दिमाग में बैठ गया वो इतना बुरा था कि उससे निकल पाना अभी तक भी मुश्किल है क्योंकि अभी केसेस अभी भी आ ही रहे हैं। और अगर मैं यादगार रहने वाली बात कहूँ तो मैं क्योंकि एक टीचर हूँ और स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ हैं कि हमारे एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन हो गया, अब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और ऐसी ऐसी कई चीज़ें हमें नई सीखने को मिली जो कि पहले हमें नहीं आती थी, पर हाँ क्योंकि अब हम इस व्यवस्था में आ गए और हमें सीखनी पड़ी, तो वो चीज़ें हमने नई सीखी भी हैं इसमें जो कि इस कोरोना काल की वजह से ही हो पाई संभव। मैडम आपका क्या कहना है, आप क्या मानती हैं, आप क्या सोचती हैं? देखिए कोरोना को लेकर तो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे क्योंकि अपनों का खोने का जो दर्द है और उनको जब उनकी डेथ हुई तो उनको हम देख भी नहीं पाए और मतलब एक बहुत पीड़ादायक ये समय रहा है, ये ज़िंदगी में दोबारा ना आए मैं तो यही भगवान से भी प्रेयर करूंगी। और दूसरा ये कि जो याद रहेगा, हम लोग सोशल मीडिया की वजह से आपस में परिवार वाले बड़ा दूरी का सामना कर रहे थे, बच्चे माँ बाप से दादी दादाओं से अपने बड़ों से नहीं मिल पाते थे, नज़दीकियाँ नहीं थी परिवार में, तो इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन का समय रहा उसमें हमारे परिवार सारे इकट्ठे हुए एक साथ हम लोगों ने इंजॉय किया, तो ये जो समय है ये कभी हम भूलना नहीं चाहेंगे। मैडम आपका क्या कहना है? ये कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जैसे लोगों के बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं, आज के युवा बहुत सारी अपनी नौकरियां खो चुके थे जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित होना पड़ा, तो ये कोरोना काल इसलिए हमें याद रहेगा क्योंकि इससे हमें बहुत सारा लॉस हो गया और जितने भी परिवार थे जिनके कुछ अपने सदस्य जिनको वो मिल भी नहीं पाए और वो चले गए यहाँ से, तो उसका बहुत उन्हें क्षति सहनी पड़ी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तो ये सब इसी वजह से कोरोना काल हमें याद रहेगा। मैडम आपका क्या कहना है? जैसे कि इन सब ने बताया वैसे ही जैसे कि लॉक ये कोरोना हो गया तो उस कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में लोगों को बहुत परेशानी हो गई, जैसे कि एक दूसरे से अपने परिवार वाले दूर हो गए थे, मेरी खुद की बेटी मेरे से 3 महीने दूर रही है और कभी कभी ज़िंदगी मेरे से दूर नहीं रही, परंतु वो उस समय उधर रो रही थी, मैं उसको अपने पास बुला नहीं सकती थी, ला नहीं सकती थी। आपका क्या कहना? जी मैं एक स्टूडेंट हूँ और जैसे कि सब जानते हैं कोरोना की वजह से हम सबको कितना लॉस हुआ है, लाइव्स को लॉस हुआ है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, सारे कॉलेज स्कूल सब बंद हो गए, तो इस पे पढ़ाई पे कितना लॉस हुआ है हमारा, भले ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लेकिन इतना जो इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी पढ़ाई पर वो बहुत ज़्यादा पड़ गया है इस बार। और अच्छी चीज़ ये है कि जो आर्टिस्ट हैं वो अपने टैलेंट को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, उन्होंने उनको और टाइम मिल गया अपने टैलेंट पर और फोकस करने का, उनको प्रैक्टिस करने का, तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों का कहना है कि 2020 के अंदर जो ऑनलाइन पढ़ाई मोबाइल और कंप्यूटर से बच्चों की है वो आज से पहले नहीं है, एक बहुत अच्छी चीज़ उनके याद रहेगी, वहीं दूसरी ओर वो भुलाना नहीं चाहेंगे जिनके परिवार कोरोना में खो गए हैं। रोहित शुक्ला, आईपीपी गंगा, हरिद्वार। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।